हेलो एवरीवन, मैं वेज मोमो जिसके लिए हमने लिए हरी मिर्ची, पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न। ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, ज़रूर देखिए। तो हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और अब इन सभी को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। आप यहाँ पर बटर का यूज़ कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर तेल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और काला नमक, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये भी ज़रूर डालिए आप। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे पकने देते हैं, जब तक ये पक रहा है तब तक हम हमारी चीज़ स्लाइस को पीस लेते हैं। हमारी तीनों चीज़ स्लाइस को हम ग्रेट कर लेंगे। हम अभी नहीं डालेंगे, जब ये ठंडा होगा तब डालेंगे। अभी ये गर्म है, अभी हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पकाते समय तेल का यूज़ किया है, बटर का नहीं किया है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। यदि बटर डाल रहे हैं आप तो नमक डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। अभी हम आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है आटा और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब मोयन तेल का, और इसे हम सिंपल सादे पानी से ही गूंदेंगे। और आटा हमें सख्त गूंथना है, नरम नहीं होना चाहिए, अगर गीला आटा होगा तो भी मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे। तो लीजिए, हमने सख्त आटा गूंथ लिया है यहाँ पर और हमारा ये मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे क्या, तो फ्रेंड्स ये हमारा चीज़ है और इसी चीज़ को हम हमारे पेस्ट में मिला लेंगे। अब हम यहाँ हमारे जो आटा है उसकी लोइयाँ जो तैयार की उसे बेलेंगे। हमें एकदम पतला बेलना है, और आपको ये भी बता दूं कि यह गेहूं का आटा है, इससे ये हेल्दी बनने वाला है। इसे एकदम पतला पतला बेलना है, इसमें हमने तेल और आटे का यूज़ नहीं किया है। इस तरह से आटा है जो चिपक नहीं रहा है, ऐसा ही हमारा आटा होना चाहिए, और एकदम हम इसको पतला बेलेंगे। अब हम इसमें भरेंगे ये हमारा मिश्रण। खट्टा कर लेंगे हम। अभी ये मेरी बेटी बना रही है, ऐसे 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 खोल लेंगे थोड़ा, फिर एक बना लेंगे, फिर इसे हम इस टाइप से जैसे आप मोदक बनाते हैं। मैं आपको और भी शेप्स के बनाना बताऊंगी, अभी मैं ये अलग शेप का बना रही हूँ। और उसके साइड्स के कॉर्नर्स जो है तोड़ देंगे, अगर आपको तोड़ना है थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, मिट्टी टूट जाएगा। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर, मुझसे भी अच्छा मेरी बेटी ने बनाया है, ये देखिए। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पर हम इसे कुकर में बना रहे हैं, हमें स्टीम देना है इसे, तो हम किसी भी स्टीमर से भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसमें इडली के सांचे में बना रहे हैं। हमने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से और हम इसको रख देंगे 10-15 मिनट तक, हमें इसे रखेंगे और पकाएंगे। हमें कुकर की सीटी निकालनी और रिंग निकालनी और मीडियम आँच रखनी है। तो हमने यहाँ पर लिया है मेयोनीज, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और हमने यहाँ पर लिया है हमारा सॉस टमाटो सॉस। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, आप अच्छे से डाल दीजिएगा क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आएगा। ये हम बना रहे हैं मोमोज की इंस्टेंट चटनी, जो है मेरे आइडिया से, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं टिफिन में ले गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी एकदम। और फिर हम इसमें डालेंगे पैरी पैरी मसाला। अब हम इसे मिलाएंगे और ये मोमो की इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मोमोज फूले नहीं हैं, लेकिन पहली बैच के मोमोज बहुत अच्छे से फूले थे, ये भी अच्छे बने हैं, लेकिन पहले वाले जो थे वो बहुत अच्छे बने थे। वो इसलिए क्योंकि हमने उसको तुरंत बनाया था, और ये आटे को हमने फ्रिज में रख दिया था, और इसके मिक्सचर को भी कि हम बाद में बनाएंगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे कितने अच्छे बने। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम इसे चटनी से खाएंगे, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।